देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में तथा पूरे उत्तर बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, उससे पहले वोटिंग की घंटी बजकर लगभग बज चुकी थी और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मतदान से पहले कहीं भी कोई भी दहशत नहीं होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में पहले से ही केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मालदह जिले के केंद्रीय बल पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं जिले में, और शुक्रवार देर रात अर्धसैनिक बलों की कुछ कंपनियां मालदा के कलियाचक पहुंची। फिर आज शनिवार सुबह से ही कलियाचक और मोथाबाड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में उनका रूट मार्च शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में आज NJP जंक्शन में सुबह पहुंचे और फिलहाल एक ही कंपनी आई जिनको सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निकल कॉलेज पर रहने की व्यवस्था की गई, और परंतु जलपाईगुड़ी जिला शहर में पिछली रात को ही दो कंपनियां केंद्रीय बल की वाहिनी आए हुए हैं। और उत्तर बंगाल के बाकी और जिले में भी साथ साथ कई दिनों में ही आने वाले सभी जगहों पर रूट मार्च करेंगे। चुनाव से पहले जिले में विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय बलों की इस तरह की गश्त पर आम लोग काफी भरोसा जता रहे हैं। इलाके के निवासियों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की गश्त से रूट मार्च इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। সামনে লোকসভা নির্বাচন সিএসএফ জওয়ান চলে এসেছে, কি বলবেন? আসলে খুব ভালো হয়েছে। কোথায় কোথায় দেখলেন, কোথায় ঘুরছে আপনাদের? আমি জরদবাড়ি, জরদবাড়ি জিপি। সাধারণ মানুষকে কি বলবেন এই বিষয়ে? সাধারণ মানুষকে কি বলবেন যে মানে এই যে সিএসএফ জওয়ান চলে এসেছে, সাধারণ মানুষকে কি বলবেন? সান্ত্বনা শৃঙ্খলাভাবে ভোটটা হবে। কি নাম আপনার? বাবলু দাস। আমাদের রদবাড়ি বাজারে সিএসএফ যে এসছে আমরা খুব আনন্দ। কি করলেন তারা সিএসএফ? সিএসএফ আমরা দেখলাম, হ্যাঁ আমরা দেখলাম যে আপনার সব গ্রামে গ্রামে ঘুরলো, পাবলিক খুব দেখে আনন্দ পেয়েছে, খুব ভালো লাগছে। এখনও আমাদের ভোট প্রচার হয়নি, তার আগেই সিএসএফ এসে গেছে। দেখলাম আরও অন্য অন্য গ্রামে দেখলাম এসেছে, এসে খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ একদম, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসাও করছে, ভালো মন্দ সব জিজ্ঞাসা করে সবাই ভালো পেয়েছে, আনন্দ, খুব খুশি। না ভোট নিয়ে তো এখন যা অসুবিধা তো নেই, দেখতে পাচ্ছি না, যখন ভোট আসবে তাহলে আমরা দেখবো। তার আগে সিএসএফ চলে এসেছে, খুব ভালো লাগছে আমাদেরকে। কি নাম আপনার? আমার নাম মাহমুদ শেখ। এটা কোন জায়গা? এটা রদবাড়ি বাজার।